हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। कॉमर्स की पाठशाला में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैं अभी एक नोट्स को लेकर के खोल के बैठा हूं जो कि हम लोगों ने तैयार करा था। BCOS OS 186, जो कि थर्ड ईयर का एक सब्जेक्ट है, उसको फिलहाल मैंने आपके सामने खोल करके रखा है और इसका पेपर भी बहुत ही जल्द होने वाला है। तो इसको लेकर के हम डिस्कस करेंगे आज इसके पहले टॉपिक को, जो कि है पर्सनल सेलिंग और उसके कैरेक्टरिस्टिक। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो, इसको पूरा देखिएगा। साथ ही साथ अगर आपको नोट्स चाहिए थर्ड ईयर के सारे सब्जेक्ट्स के, तो वो हमारे पास अवेलेबल है। आप हमसे कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको उसका जो लिंक है हमारे व्हाट्सएप का, या फिर आप हमें जो कॉल करेंगे उसका नंबर जो है आपको हमारे जो हमारा डिस्क्रिप्शन है इस वीडियो का, वहां पे भी आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको स्क्रीन पे भी हमारा फोन नंबर शो कर रहा होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे वो है पर्सनल सेलिंग क्या होती है और उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल सेलिंग? तो पर्सनल सेलिंग अगर इन जनरल में बात करूं तो पर्सनल सेलिंग का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति पर्सनली जाकर के ओरली चीजों को समझाता है किसी चीज को, और फिर जो सामने वाला बंदा है वो उस चीजों के बारे में सुन करके समझ करके डिसीजन लेता है कि मुझे ये इस चीज को खरीदना है, तो उसको हम पर्सनल सेलिंग बोलेंगे। या फिर तो फेस टू फेस इंटरेक्शन भी इसको बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक व्यक्ति पर्सनली जाकर के अपने जो भी उसका सामान है वो उसको बेचता है। ठीक है ना, तो ये बात। तो चलिए फिर इसको मैं क्या करके आपको बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केट एसोसिएशन, पर्सनल सेलिंग इज द ओरल प्रेजेंटेशन इन कन्वर्सेशन विद वन और मोर प्रस्पेक्टिव परचेजर्स फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग सेल। है ना, तो ऐसे लोग जो कि आपके सामान को खरीद सकते हैं। प्रस्पेक्टिव परचेजर का मतलब ऐसा परचेजर जो कि आपके सामान को खरीद सकता है, उसको हम परस्पेक्टिव परचेजर बोलेंगे। ठीक है ना, तो ऐसे व्यक्ति के पास जब आप ओरली अपना प्रेजेंटेशन देते हो, अपने प्रोडक्ट का फेस टू फेस प्रेजेंटेशन देते हो, तो हम उसे क्या कहते हैं? पर्सनल सेलिंग कहते हैं। हालांकि ये पूरा का पूरा डेफिनेशन है, तो जैसा है आपको वैसे ही लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, एंड इट इज द एबिलिटी टू परसुएट द पीपल टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज। और आप उसको परसू करवाते हो, आप उसको बताते हो कि आपको ये चीज जो है खरीदनी चाहिए, ये गुड्स एंड सर्विसेज आपको खरीदनी चाहिए एट अ प्रॉफिट टू द सेलर एंड द बेनिफिट टू द बायर। जहां पे आपको भी प्रॉफिट होगा, जो सेलर सेल कर रहा है उसको भी प्रॉफिट हो रहा है, प्लस जो बायर बाय कर रहा है उसको भी उस चीज की प्रॉफिट जो है वो हो रही है। फ्लिप कॉटलर की अगर बात करें तो बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट हैं और वो अभी भी जिंदा हैं। ये सुन के बहुत अमेजिंग लगता है, मुझे भी काफी अमेजिंग लगा था जब मुझे पहली बार पता चला था। हम उनके बारे में पढ़ते हैं, ही इज स्टिल अलाइव। एंड फिलिप कॉटलर ने कहा था कि पर्सनल सेलिंग इज अ फेस टू फेस इंटरेक्शन विद वन और मोर प्रस्पेक्टिव परचेजर फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग प्रेजेंटेशंस, आंसरिंग क्वेश्चंस एंड प्रोक्योरिंग ऑर्डर्स। है ना, तो पर्सनल सेलिंग एक फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है जहाँ पे एक या एक से ज्यादा परचेजर के सामने आप अपने प्रेजेंटेशन को रखते हो, आप उनके सवालों के जवाब देते हो और साथ ही साथ उनसे आप ऑर्डर्स भी प्रोक्योर करते हो। अगर आप ठीक तरीके से अपने प्रोडक्ट को समझा पाओगे तो वो आपको ऑर्डर देगा कि मुझे ऐसे 5 चाहिए या 10 चाहिए या 15 चाहिए या 100 चाहिए, वैसे ऑर्डर देगा। है ना, तो ये आपका दो डेफिनेशन था पर्सनल सेलिंग का। अब बात कर लेते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि यहाँ पे बायर और सेलर का इंटरेक्शन हो रहा है। सिंपल सी बात है, फेस टू फेस इंटरेक्शन में जो बायर है और जो सेलर है वो दोनों ही आपस में मिलकर के बातचीत कर रहे हैं। तो एक तरह का यहाँ पे क्या है, एक फेस टू फेस इंटरेक्शन है। है ना, तो बायर सेलर इंटरेक्शन सबसे पहले बात तो यहाँ पे हो रहा है। सो इन एडवर्टाइजिंग कम्युनिकेशन इज वन साइडेड। अगर हम एडवर्टाइजिंग की बात करें तो कम्युनिकेशन एक साइड होता है जहाँ पे एक बंदा जो है प्रोडक्ट के बारे में बता रहा होता है, लेकिन जो बायर है उसके बारे में पता नहीं कि वो क्या करेगा। है ना, वो खरीदेगा नहीं खरीदेगा कोई ठीक नहीं है। तो एडवर्टाइजिंग जो है वो वन साइडेड होता है फ्रॉम सेलर टू कंज्यूमर, वेयर एज इन पर्सनल सेलिंग की अगर हम बात करें तो इट इज अ टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स पर्सन एंड ऑफ द प्रस्पेक्टिव बायर। सॉरी यहाँ पे 5 हो गया है, इसको मत ध्यान दो, एंड द प्रस्पेक्टिव बायर। है ना, तो ये कम्युनिकेशन होता है बिटवीन द टू पर्सन जो कि है सेल्स पर्सन और साथ ही साथ जो प्रस्पेक्टिव बायर है, जो आपके सामान को खरीद सकता है उसको हम प्रस्पेक्टिव बायर बोलेंगे। तो वो हो गया। है ना, तो इसके बीच में टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है। एक बंदा जब हाँ बोल रहा है, कोई बात समझा रहा है, प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है, तो दूसरा बंदा हामी भर रहा है कि हाँ मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए या नहीं चाहिए। है ना, तो कम्युनिकेशन उसी टाइम पर सॉर्ट आउट हो जा रहा है। सो द इंटरेक्शन इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, एज द टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हैव मेड इट पॉसिबल टू इंटरेक्ट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल एक्सेट्रा। अभी अगर आपको कोई भी पॉलिसी लेनी है, पॉलिसी बाजार पे जाओगे, चीजों को सर्च करोगे, तुरंत आपके पास कॉल आ जाएगा, वो लोग आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉल के माध्यम से सारी की सारी चीजें बता देंगे। तो वो लोग करते क्या है, वो लोग अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, उनके पास जो इंश्योरेंस पॉलिसीज है वो उनको सेल करते हैं। आप समझ रहे हो बात? तो यही बात यहाँ पे बोलने की कोशिश की जा रही है कि अब जो इंटरेक्शन है इस तरह का, वो सिर्फ एक जियोग्राफिकल बाउंड्री तक वो लिमिटेड नहीं रहा है, उसकी जो जो रीच है वो अब बढ़ गई है। लोग ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड ईमेल। है ना, आप कभी भी किसी को भी कहीं से भी कहीं पर भी आप उसको मैसेज कर सकते हो। है ना, यहाँ पे बायर सेलर का इंटरेक्शन होता है। दूसरा है डायरेक्ट कम्युनिकेशन। तो जी हाँ,
अगर हम एडवर्टाइजिंग की बात करें तो टीवी पे एड हम देखते हैं और उसके बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं कि हमें करना है या नहीं करना है, तो ये तो वन साइडेड हो गया और ये कम्युनिकेशन भी डायरेक्ट नहीं हुआ। लेकिन डायरेक्ट कम्युनिकेशन किस चीज में होती है? पर्सन सेलिंग में होती है, जब कोई बंदा सामने से आकर के आपको पिच करता है कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है और मुझे ऐसा लगता है कि आपके चीज के हिसाब से ये प्रोडक्ट आपके लिए बेस्ट सुटेड है, तो आप हाँ करोगे या ना करोगे, है ना। तो यहाँ डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है बिटवीन द सेलर एंड द बायर, राइट। सो इन एडवर्टाइजिंग द मैसेज इज कन्वेड इन अ नॉन पर्सनल मैनर थ्रू मास मीडिया लाइक टीवी, न्यूज पेपर, होर्डिंग, रेडियो, डिजिटल मीडिया एक्सेट्रा। बट इन पर्सनल सेलिंग सेल्स पर्सन कन्वेज द मैसेज पर्सनली टू द कस्टमर, जो मैंने आपको अभी बताया, कस्टमर या कंज्यूमर जो भी है ना। पुश स्ट्रैटेजी, तो पुश स्ट्रैटेजी पर्सन सेलिंग को ही एक तरीके से बोला जाता है, जहां पे आप लोगों से माउथ टू माउथ प्रमोशन करवाने के लिए आप लोगों को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करते हो। जैसे कि कोई बंदा अगर मेरे पास डायरेक्टली आकर के अपनी पॉलिसी बेचता है या कुछ करता है और अगर मैं उसको खरीद लेता हूँ, तो ऐसे क्या होगा कि मैं अपनी पॉलिसी के बारे में लोगों के सामने जब बताऊंगा तो मैं बताऊंगा कि मैंने इस कंपनी की पॉलिसी ली है। तो एक तरह से माउथ टू माउथ उनका प्रमोशन भी हो रहा है और वो डायरेक्ट सेलिंग भी कर रहा है। तो डायरेक्ट सेलिंग एक तरीके से पुश स्ट्रैटेजी कहलाई जाती है, ठीक है। सो इन पर्सनल सेलिंग सेल्स पीपल प्रेजेंट द प्रोडक्ट एंड इन्फॉर्मेशन डाउट सॉरी अबाउट इट एज परसुएड कस्टमर्स टू बाय इट, है ना। इट इज ट्रांसफर्ड, इट इज रेफर्ड एज पुश स्ट्रैटेजी, है ना, एज द प्रोडक्ट इज पुश टुवर्ड्स द कस्टमर, क्योंकि प्रोडक्ट को कस्टमर को पुश किया जाता है। तो जब कस्टमर उस चीज को लेकर के सही समझता है, उस प्रोडक्ट को वो सही समझता है अपने लिए, तो फिर वो उस चीज को बाय कर लेता है, और जब बाय कर लेता है तो एक तरीके से वो कन्वे भी करता है सारी चीजों के लिए, है ना, चीजों को कन्वे करता है। सो इन एडवर्टाइजिंग कंज्यूमर्स गेट ड्रॉन टुवर्ड्स द प्रोडक्ट थ्रू एड्स विच कैप्चर देयर इंटरेक्शन। लेकिन अगर एडवर्टाइजिंग की बात करें तो टीवी में कोई एड चल रहा है, अगर आपको वो प्रोडक्ट चाहिए तो आपका अटेंशन जो है उस चीज की तरफ चला जाएगा और जो भी प्रोसेस होगा आप उस प्रोसेस के जरिए उसको बाय करने की आप कोशिश करेंगे। गेट देम इंटरेस्टेड एंड पर्सुएड देम टू बाय द प्रोडक्ट, है ना। ये लेकिन एडवर्टाइजिंग में हो रहा है कि आप एडवर्टाइजमेंट देख करके कर रहे हो, लेकिन पुश स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है किस चीज में? पर्सन सेलिंग में, जहां पे लोगों को पुश किया जाता है। जब आप डायरेक्ट सेलिंग करते हो तो लोगों को एक तरीके से पुश किया जा रहा है कि आप हमारे प्रोडक्ट को खरीदो, है ना। इट इज रेफर्ड एज पुल स्ट्रैटेजी, लेकिन जो एडवर्टाइजिंग का मैंने एग्जांपल दिया उसे हम पुल स्ट्रैटेजी बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे अटेंशन खींचा जाता है। पुल मतलब खींचना, तो यहाँ पे अटेंशन आप खींच रहे हो कि भाई तुम आकर के मेरे सामान को खरीदो, तो इसको हम पुल स्ट्रैटेजी बोलेंगे। एज कंज्यूमर्स गेट ड्रॉन टुवर्ड्स प्रोडक्ट, ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फोर्थ नंबर पॉइंट है कस्टमाइजेशन एंड पर्सनलाइजेशन, ठीक है। सो इन एडवर्टाइजिंग मैसेजेस आर स्टैंडर्डाइज्ड, दैट इज सेम मैसेजेस कन्वेड टू द ऑल कंज्यूमर्स थ्रू एड्स, वेयर इन द सेल्स पर्सन कैन मॉडिफाई द मैसेज टू मेक इट सुटेबल टू ईच ऑफ द प्रोस्पेक्टिव बायर। अगर मैं बिजनेस पॉलिसी की ही बात करूं तो जब आप टीवी में कोई एड देखते हो ना, तो देखना वो एड जो है सभी के लिए बराबर होता है। लेकिन जब कोई पर्सनल बंदा आकर के आपके सामने आपकी पॉलिसी, आपको कोई पॉलिसी बताता है, तो वो आपसे पूछता है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आप क्या चाहते हो, आपके हिसाब से वो कस्टमाइज करके पर्सनलाइज करके आपको बताता है कि ये पॉलिसी आपके लिए बेस्ट सुटेड है। लेकिन जब ऑनलाइन देखेंगे तो वो किसी एक पॉलिसी के बारे में ही ऐड करेगा टीवी में, राइट। सो कस्टमाइजेशन एंड पर्सनलाइजेशन जो होता है वो आपका हमें पर्सनल सेलिंग में देखने को मिलता है और एडवर्टाइजिंग में देखने को नहीं मिलता, ठीक है। ह्यूमन एलिमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब यहाँ पे डायरेक्ट एक तरह से सेलिंग हो रही है, पर्सनल सेलिंग हो रही है, तो ह्यूमन एलिमेंट तो यहाँ पे है ही, कोई व्यक्ति ही ना उस चीज को एक तरीके से कन्वे करेगा, मैसेज को कन्वे करेगा, तो ह्यूमन एलिमेंट तो यहाँ पे जुड़ा हुआ है। और जब ह्यूमन एलिमेंट जुड़ता है तो यकीन मानो चीजें जो है थोड़ी सी ज्यादा इम्पैक्टफुल होती है। अगर कोई मुझे ऑनलाइन में ऐड देख करके किसी काम को कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि मैं उस काम को करूँ नहीं भी करूँ, लेकिन कोई बंदा अगर मुझे आकर के चीजों को समझाए तो मैं थोड़ा सा इन्फ्लुएंस होऊंगा, मुझे उस पर भरोसा हल्का सा करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक ह्यूमन है, उसे पता है कि मुझे क्या चाहिए, मेरी क्या रिक्वायरमेंट है, और उसके अकॉर्डिंग वो चीजें करता है। तो ह्यूमन एलिमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है पर्सनल सेलिंग में। सो पर्सन एंगेजिंग इन पर्सनल सेलिंग सर्व एज द पर्सनल कनेक्शन बिटवीन कंपनी एंड इट्स कस्टमर्स, है ना। तो जो पर्सन एंगेज हो रहा है पर्सनल सेलिंग में, वो कंपनी के बिहाफ पे अपने कस्टमर्स को उस सामान को बेच रहा है। तो यहाँ पे एक पर्सनल सेलिंग की बात हो रही है, पर्सनल यू नो एंगेजमेंट की बात हो रही है। So along with the verbal communication, it is also includes use of non-verbal communication of body language, tone, appearance, etc. in conveying message to the buyer. आप समझ रहे हो, जब आप human element की बात करो, कोई बंदा अगर मेरे पास आकर के चीजों को बता रहा है, तो मैं उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज करूंगा, चेक करूंगा, उसके टोन को चेक करूंगा कि वो किस तरीके से बात कर रहा है मुझसे, मैं उसके अपियरेंस को चेक करूंगा कि किस तरीके का उसका आउटफिट है, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग मैं उसको जज करने की कोशिश करूंगा कि भाई ये बोल तो रहा है कि 2 करोड़ की पॉलिसी है, ये आपको रिटर्न मिलेगा, वो मिलेगा, ऐसे मिलेगा, लेकिन जब उसका खुद का अपीयरेंस अच्छा नहीं होगा, जब वो खुद बंठन के नहीं आया होगा, जब वो खुद नहीं लगेगा कि वो सूटेबल है, तो मैं उससे कैसे लूंगा,
राइट, तो ह्यूमन एलिमेंट के पीछे एक रीजन ये भी है कि कोई बंदा अगर सपोज कोट पैंट पहन करके आकर के आपके पास अगर LIC की पॉलिसी बेचे तो आप इन्फ्लुएंस हो जाओगे, बोलेगा अच्छा भाई LIC की पॉलिसी बेचता है और कोट पैंट भी पहन के आया, इसका मतलब भाई कुछ तो बात है ना, आप समझ रहे हो। तो ह्यूमन एलिमेंट यहाँ पे काम करता है, समटाइम्स ये पॉजिटिव भी होता है, समटाइम्स ये नेगेटिव भी होता है। नेगेटिव इन द सेंस अगर वो ठीक तरीके से बन ठन के नहीं रहेगा, उसका अपीयरेंस सही नहीं होगा, उसका टोन अगर थोड़ा रूड होगा तो कभी भी आप अपने प्रोडक्ट को बेच नहीं सकते। तो ह्यूमन एलिमेंट का फायदा भी है लेकिन साथ ही साथ नुकसान भी है। मोर एंगेजिंग, तो जी हाँ पर्सन सेलिंग ज्यादा एंगेजिंग होती है, यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें एंगेज होते हैं क्योंकि ऑनलाइन सेलिंग में क्या हो रहा है कि एक मैसेज आप सबको कन्वे कर रहे हो, आपको रिप्लाई का पता नहीं है, तो कितने लोग एंगेज हो रहे हैं ये भी आपको पता नहीं चल पा रहा है, जो ऐड कर रहा है करवा रहा है सिर्फ उसी को पता चल पाता है। लेकिन जब आप पर्सनली करते हो चीजों को तो वो ज्यादा एंगेजिंग होता है, कोई बंदे के पास अगर कोई सवाल होगा तो वो आपसे पूछ पाएगा, ऑनलाइन में तो आप किसी से कुछ पूछ नहीं पा रहे हो आपके मन में अगर किसी भी तरह का सवाल हो रहा है तो, लेकिन पर्सनल सेलिंग में आप सवाल पूछ सकते हो कि सर मुझे यहाँ पे डाउट है आप मुझे बताइए कि ऐसा होने से क्या होगा, ठीक है ना। तो ये ज्यादा एंगेजिंग होता है, सो द रियल टाइम सेल्स प्रेजेंटेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन मेक्स इट मोर एंगेजिंग एंड एक्सपीरियंस फॉर बायर एंड गुड एक्सपीरियंस फॉर बायर, इस तरीके से आप बोल सकते हो, ठीक है ना। माफी चाहूंगा। सो रियल टाइम सेल्स प्रेजेंटेशन और डेमोन्स्ट्रेशन एक तरीके से ज्यादा एंगेजिंग बना देता है आपके प्रोडक्ट के डेमोन्स्ट्रेशन को या उसके सेल करने का जो तरीका होता है। सातवां है क्विक रिस्पॉन्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन चीजों में आपको रिस्पॉन्स तो मिलता ही नहीं है, एडवर्टाइजिंग में आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, आप एड करवाते हो फिर बंदा सोचता है फिर वो सोचता है लेना है कि नहीं लेना है, कभी कभी 2 दिन, कभी कभी हफ्ते, कभी कभी महीने, कभी कभी सालों बाद भी लोग उस चीज को खरीदते हैं, ठीक है। लेकिन पर्सनल सेलिंग में आपको तुरंत पता चलता है कि वो बंदा आपसे उस सामान को खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, यहाँ पे रिस्पॉन्स जो है वो बहुत ही क्विक होता है। डायरेक्ट कम्युनिकेशन इन द केस ऑफ सेलिंग अलाउज द सेलर टू गेज द रिस्पॉन्स एंड परचेज इंटेंशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव बायर, है ना। तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन में हमें ये पता चल जाता है कि कौन बंदा इंटरेस्टेड है, कौन बंदा आपके लिए प्रोस्पेक्टिव बायर है और कौन नहीं है। इट हेल्प्स सेलर टू कीप अडैप्टिंग द सेल्स स्टॉक अकॉर्डिंगली विच मे पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस बायर्स परचेज इंटेंशन, है ना। तो यहाँ पे चूंकि आप तुरंत कम्युनिकेट कर रहे हो, क्विक रिस्पॉन्स आप दे रहे हो, आपके मन में कोई सवाल आया मैंने आप उस सवाल को सॉल्व कर दिया, आपके मन में फिर से कोई रिस्पॉन्स में आपने कोई सवाल पूछा मैंने फिर से उसको सॉल्व कर दिया, तो एक तरह से ये जो है बायर को एक तरीके से पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस भी करता है कि भाई आप इस चीज को खरीद ही लो क्योंकि सारी चीजें यहाँ पे सही है। लेकिन ऐसे एडवर्टीजमेंट में क्या होता है कि चीजें आपको बताई जाती हैं लेकिन आप कुछ सवाल नहीं पूछ पा रहे उन रिस्पॉन्स, तो आपको पता ही नहीं चल रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, राइट ना। तो ये दिक्कत होती है। कस्टमर फीडबैक, तो तुरंत आपको कस्टमर फीडबैक मिल जाता है पर्सनल सेलिंग में, आप अगर अच्छे तरीके से बिहेव करोगे तो लोग आपको अच्छे तरीके से जज करेंगे, अगर आप ऑनलाइन करोगे तो आपको कस्टमर फीडबैक मिलने में टाइम लगेगा, बहुत देर भी लगता है, लेकिन पर्सनल सेलिंग में कस्टमर फीडबैक तुरंत मिल जाता है और बहुत ज्यादा वो बेनिफिशियल भी होता है। टू वे कम्युनिकेशन मेक्स इट पॉसिबल फॉर द बायर टू एक्सप्रेस द फीडबैक अबाउट प्रोडक्ट प्राइस इट्स कंपैरिजन विद कंपीटिंग प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो टू वे कम्युनिकेशन ये पॉसिबल बना देता है कि आप अपने फीडबैक को शेयर कर सकते हो टू द कंपनी और टू द इंटरमीडियरी जो भी आपको सामान को बेच रहा था, ताकि आप कंपेयर कर सको, वो भी अपने प्रोडक्ट्स के बारे में ठीक तरीके से चेक कर सके कि लोगों को ये पसंद आ रही हो तो क्यों पसंद आ रही है, नहीं आ रही हो तो क्यों नहीं आ रही है, ये सारी चीजें करनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। दिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम प्रस्पेक्टिव एग्जिस्टिंग कस्टमर्स कैन बी यूजफुल फॉर द कंपनी फॉर मेकिंग इंप्रूवमेंट्स इन द मार्केटिंग स्टडी, जो मैंने आपको बताई कि अगर पसंद आ रही है तो क्यों आ रही है और नहीं आ रही है तो क्यों नहीं आ रही है, अगर नहीं आ रही है तो क्या क्या चेंजेस आप करोगे तो आप और ज्यादा इंप्रूवमेंट कर सकते हो, तो ये कस्टमर फीडबैक से एक फायदा आपको होता है। आखिरी पॉइंट है, नौवां पॉइंट है कल्टिवेटिंग रिलेशनशिप। तो यस, विद द हेल्प ऑफ पर्सनल सेलिंग यू कैन कल्टिवेट द रिलेशनशिप, आपका रिलेशनशिप बेहतर होता जाता है, आप एक गुडविल अपना बनाते हो मार्केट में, माउथ टू माउथ आपकी एक तरीके से तारीफ होती है, लोग आपके बारे में बात करते हैं, तो एक यहाँ पे एक रिलेशनशिप तैयार हो जाता है, राइट। इट इज पॉसिबल फॉर द सेलर टू यूज पर्सनल इंटरेक्शन विद बायर फॉर डेवलपिंग एंड स्ट्रेंथनिंग रिलेशनशिप एंड बिल्डिंग गुडविल फॉर द कंपनी, है ना। तो ये पॉसिबल है, ऐसा होता है कि जब सेलर इस चीज को पर्सनल इंटरेक्शन कर रहा है तो यहाँ पे एक तरीके से एक अच्छा रिलेशनशिप, मजबूत रिलेशनशिप जो है तैयार होता है उसके गुडविल के बेसिस पे, जो कि काफी लंबे टाइम तक सस्टेन करता है। कंपनी के लिए भी एक तरीके से ये बेहतर है, सपोज ना मुझे कोई सर्विस की जरूरत है और मुझे जिस कंपनी से वो सर्विस चाहिए वो कंपनी खुद आकर के मेरे घर पे, मतलब किसी बंदे को उसने भेजा और खुद आकर के जो मेरे काम को कर दिया, तो एक तरीके से क्या हुआ, एक गुड सेंस ऑफ रिलेशनशिप तैयार हो गया कि चलो ये कंपनी बहुत अच्छी है, इसी का प्रोडक्ट लेना अच्छा रहेगा, यही करना अच्छा रहेगा, समझ रहे हो आप। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो
कि ये काम करता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जहां पे मैंने आपको पर्सनल सेलिंग और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें। बाय बाय, थैंक यू।